अंकित जी, मैं चाहूंगा ये एक छोटा सा हमारा लीडरशिप अवार्ड हम हर ट्रेनर को देते हैं, तो आकर के मेरे साथ ये दें, तालियां चाहिए आप सबके। ओवर टू देशबंधु। आदरणीय परवीन नारंग जी, उपस्थित बंधुवर, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं अभी इंट्रोडक्शन आप कर रहे थे तो मैं एक चीज की कमी देख रहा था, तालियां नहीं बजाते, उत्साह नहीं है। जब तक आपके अंदर एक जुनून नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। लोग एजिटेशंस करते हैं, इसको निकालिए और सब जने मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय। आपकी आवाज नीचे तक आ जानी चाहिए, यहाँ कोई मीटिंग हो रही है। बांके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। हाँ, ये हुआ। ऐसे ही आप जनून अपने अंदर भरिए। सर्वप्रथम मैं परवीन नारंग जी का धन्यवाद देता हूं, हृदय की गहराइयों से उनका एक बहुत बड़ा एहसान मानता हूं, जिन्होंने आज अपना परिचय, अपने से अपने जो जीवन की घटनाएं हैं उसको रखने का मौका दिया आपके सामने। परवीन नारंग जी के बारे में ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि उनकी भी तारीफ जितनी करेंगे तो समय हमारा निकल जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम लोग यहाँ पर बिजनेस मीटिंग के लिए बैठे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिजनेस मीटिंग में हम कर्म करते हैं। हम लोग जितने भी करते कर्म करते हैं, कर्म अपना ऑफिस खोला, मिलना, वो करना, सारी चीजें कर्म है, एक दिनचर्या की क्रिया है। उसके बाद क्या होता है कि ठाकुर जी मेरा ये कार्य संपन्न करना, मेरी ये मीटिंग संपूर्ण करना, सक्सेस करना, या जो भी आपका एम होता है वो किसके सामने रखते हैं, जिसको आप मानते हैं, चाहे वाहेगुरु, चाहे अल्लाह, चाहे वो, उसको मानते हैं नहीं मानते। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कितनी देर प्रे कर कर आए, सुबह उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर जिसको भी आप मानते हैं उनके पास कितनी देर बैठ कर आए, कितनी देर अपनी प्रार्थना कर कर आए, कृपया हाथ खड़ा करके बताएं, सही दिल से, ऐसे नहीं कि हाथ खड़ा करना है। अच्छा सर, आपने कितनी देर करी? आठ से नौ मिनट से ज्यादा कौन करता है? नहीं करते। दूसरा, इतने जने आए हैं लेकिन याद उसको नहीं करते। याद कब करते हैं? जब हमें तकलीफ होती है, जब हम इलाज के लिए जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आज कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, उस समय याद करते हैं, हे ठाकुर जी, मैं ठाकुर जी के प्रति अपना मानता हूँ, लिस्ट मानता हूँ, और उनके प्रति मेरे दिल में बहुत बड़ा वो है, जो आज मेरी पहचान है या जो भी है वो ठाकुर जी की कृपा से है। तो उनको जब मानते हैं, या जो आप जिसको मानते हैं उनको तो याद नहीं करते। जब याद नहीं करते तो तकलीफ में याद करते हैं। अगर हम उसको रेगुलर, चाहे पांच मिनट, चाहे दस मिनट, चाहे पंद्रह मिनट, ये आपके ऊपर है, अगर आप उनको रेगुलर याद करेंगे तो मुझे पक्की उम्मीद है कि आपके ऊपर कष्ट नहीं आएगा। आप सहमत है इस बात से? लेकिन हम प्रैक्टिकल नहीं करते। मेरे को तो जब भी, चाहे सुख है चाहे दुख है, मैं जब भी कोई होती है ठाकुर जी वृंदावन में जाकर उनसे जवाब श्राप करता हूँ, अपने उनको दुख की प्रेरणा या खुशी की प्रेरणा उनके सामने करता हूँ, और वो मुझे अपने विचार देते हैं, वो मेरे को उनका आशीर्वाद मिलता है, एक मार्ग मिलता है, राइट। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला
इससे एक चीज निष्कर्ष निकली कि हमें दुख में ही नहीं अपने इष्ट देव को याद करना, हमें सुख में भी करना है। अगर हम सुख करने में करने लगेंगे तो दुख काहे को हो। आप सहमत हैं इससे बात से? इससे आगे बढ़ते हैं। मैं देशबंधु गुप्ता, एमडी बीपी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल ओवर 17 ब्रांचेज है, बॉम्बे, अहमदाबाद, उल्लासनगर, तिरुपुर, रेडीमेड गारमेंट से हम व्यवसाय करते हैं। जहां पर भी रेडीमेड प्रोडक्ट होता है वहां पर हमारी ऑफिस जरूर होगा। आज हम बात करेंगे पास्ट की और प्रेजेंट की। पास्ट, जैसे प्रवीण सर ने बताया कि तजुर्बा कर करके हमने एक निष्कर्ष निकाला, काम कर करके एक तजुर्बा निकाला, एक निष्कर्ष निकाला, वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सन 1960 में मेरे फादर ने हरियाणा छोड़कर कलकत्ता चले गए। वहाँ भारत पेपर कॉरपोरेशन के नाम से 61 में रजिस्ट्रेशन करा, पेपर का व्यवसाय करा, वो व्यवसाय सेट हो गया। मेरे चाचा जी को वो बिजनेस देकर दिल्ली आ गए। 71 में भी उन्होंने वही भारत पेपर कॉरपोरेशन के नाम से चावड़ी बाजार में अपना बिजनेस स्टार्ट करा। 71 में जब बिजनेस स्टार्ट करा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, इंटेक्स नंबर लिया। हम लोग तीन भाई हैं, उनकी एक इच्छा थी कि भाई मैं तीनों को एक बिजनेस में नहीं लूंगा, मुझे एक लाइन और चुननी है। तो करीबन 78 में गांधीनगर हम लोग दो भाई, बड़े भाई सब मेरे सत्यप्रकाश गुप्ता जी जो हमारे चेयरमैन हैं, वो और मैं, हम लोग गांधीनगर रेडीमेड गारमेंट्स के व्यवसाय में आए। और व्यवसाय में 81 में हमने सेल टैक्स नंबर अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रेडीमेड की नॉलेज कुछ नहीं थी, कैसे व्यापार को करें, किस तरीके से आगे बढ़े। एक हमारे पड़ोसी थे, वो लुधियाना का ट्रेडिंग करते थे। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं लुधियाना का काम करना चाहूँगा, ट्रेडिंग करना चाहूँगा। वो मेरे को ले गए लुधियाना। लुधियाना जैसे ही स्टेशन पे मैं पहुँचा, उन्होंने कहा कि आपका और हमारा यहाँ तक का साथ है, इससे आगे आप जो है अपने आप करिए। मेरे को बड़ा अजीब लगा कि इतना बड़ा कभी आया नहीं, कभी करा नहीं है, तो कैसे होगा। लेकिन एक जनून था, एक जनून के साथ कोई परवाह नहीं पड़ी। ब्रांड मेरे पास, जो जो ब्रांड का मुझे लाना था काम, वो मेरे पास नोटिंग थे। एक एक के पास गया, उनके परचेज करा, परचेज करके मैं दिल्ली आ गया। और ठीक उन्हीं के ही बगल में दुकान थी, तो जो रेट वो बेचते थे उससे कम रेट मैंने रखकर अपना व्यापार को स्टार्ट करा। जब व्यापार को स्टार्ट करा तो फर्स्ट जो बिजनेस का बढ़ने का जो जर्नल एक तरीका होता है कि भाई जो सामने वाला जो रेट रखता है उससे कम हम रेट रखेंगे तो हमारा व्यापार चलेगा, जर्नली हम एक पहले पद्धति पे आ गए। लेकिन जैसे ही वो व्यापार स्टार्ट करा, ट्रेडिंग चालू करा, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग जो करते थे, जो हम आइटम बेचते थे, उसको मैंने कैलकुलेट करा। कैलकुलेट करा तो बहुत अच्छा मार्जिन था। दिमाग में पिक्चर आई कि भाई हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं अपने नाम का, ताकि हमारी एक अलग पहचान हो सके। प्रोडक्ट हमने बनाया। प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ उस समय सदर बाजार में भी काफ़ी होलसेलर ट्रेडर्स बैठते थे, उनके पास हम सैंपल लेकर गए और उनको आइटमें वगैरह दिखाई, ऑर्डर वगैरह मिलने लगा। लेकिन ऑर्डर जैसे 100 रुपये की कोई आइटम थी, 95 रुपीज़ में वो बोलते थे। हम लोगों को भी मार्जिन मिलता था कि भाई 90 रुपये में आ रही है या 85 रुपये में कॉस्टिंग करती है, 95 रुपीज़ दे दिया उनको। देने के बाद उनसे पेमेंट आ गई। पेमेंट के टाइम वो 95 का 90 कर देते थे, नहीं मेरी तो 90 में बात हुई है, हम 90 से भी ले लेते थे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे।
हमारे पास इतने घर नहीं थे कि भाई हम उनको इनकी बजाय उनको सप्लाई कर सके, उनको देकर आ सके। 90 का ले लिया। फिर दिवाली का कोई आता था फेस्टिवल, जैसे दिवाली आती थी तो वो टोटल सेल का कुछ परसेंटेज और काट लेते थे। जब मेरे को ये महसूस हुआ कि भाई हम लोग इनसे काम कर रहे हैं, ठीक है पेमेंट मेरे को टाइम पर मिल रही है, लेकिन हम इनके एक बंधक से टाइप के हो गए कि हमारी कुछ नहीं चलती, जो भी वो रेट रखते हैं, जब पेमेंट देते हैं तो काट लेते हैं, और जब जो है साल के अंत में जो सेल हुई उसका पैसा काट लिया। हमें इससे आगे एक स्टेप बढ़ना है, एक स्टेप आगे बढ़े कि ये जिनके यहाँ जिनका माल जाता है, जब हम बैठे रहते थे एक आदत और थी उनको, क्या हम बाहर बैठे रहते थे घंटों इंतजार कराते थे, घंटों इंतजार कराने के बाद और फिर उसके बाद बुलाते थे, बैठने के लिए भी नहीं बोलते थे, बड़ा रूखा व्यवहार था। तो उनके ग्राहक आते रहते थे, कोई नागपुर से, कोई अमरावती से, कोई उनको जो है वो हमारी आइटम भी दिखाते थे, हम लोग देखते थे कि भाई ये आइटम वो दे रहे, तो वो आइटम देखकर मन में डिसाइड करा कि जिनको ये बेचते हैं हमें वहां जाना है। एक कड़ी को कट करने का प्लान बनाया ताकि हमारा मार्जिन भी बढ़ेगा और दूसरा हमारा डायरेक्ट संपर्क हो जाएगा, उसके लिए प्लान बनाया। सन 84 मैरिज हुई थी तो फर्स्ट टाइम प्लान बनाया कि नागपुर में मुझे जाना है। फादर ने मेरे से पूछा कि भाई आप नागपुर का कैसे जाओगे, कभी गए नहीं हो क्या? नहीं, मैं चला जाऊंगा, मुझे जाना है। एक डिसीजन अपने मन के अंदर था, एक जनून अपने अंदर था। नागपुर पहुंच गया, रेलवे स्टेशन पे जैसे ही पहुंचा पता नहीं था मार्केटिंग क्या है, कहाँ है, किस तरीके की है। बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर जब जैसे निकला तो कुछ रेडीमेड की दुकानें मिली। उन दुकानों पर मैंने पूछा कि यहाँ होलसेल की मार्केट कहाँ है? उन्होंने कहा इतवारी में, इतवारी एक जगह का नाम है नागपुर में, वहाँ है। वहाँ चला गया, बड़ा जनून था अपने अंदर। बगल में एक धर्मशाला थी, वहाँ पर जगह लिया और उसके बाद मार्केटिंग में निकल गया अपना सैंपल्स लेकर। एक दुकानदार के पास गया, दो के पास गया, तीन के पास गया, कहीं से भी ऑर्डर नहीं मिला। एक ही बात मिलती थी, सर आप कार्ड दे जाइए हम आपके पास आएंगे। आप वो एक दिन पहला दिन था तो इतना मन कमजोर नहीं हुआ, लेकिन जब ये घटना दूसरे दिन भी हुई, तीसरे दिन भी हुई, हिम्मत साथ छोड़ने लगी, हिम्मत साथ छोड़ने लगी कि भाई मेरे को नहीं लगा कि भाई एक ही का ऑर्डर भी नहीं मिला तो कैसे मैं इसको करूं, और कोई तजुर्बा नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, बहुत परेशान हो गया था। लास्ट में कहते हैं जब ठाकुर जी अपने आप ही एक रास्ता बनाते हैं, एक दुकान पे मैं पहुंच गया। मैंने उसे सैंपल के लिए भी नहीं पूछा, ये कहा कि दिल्ली से आया। उन्होंने मेरा चेहरा पढ़ा, चेहरा पढ़ने के बाद दिल्ली से आए हो? हाँ जी दिल्ली से आए। क्या हुआ? मैं बोला जी मैं करीबन 50-60 दुकानों पे मैं विजिट कर चुका हूँ लेकिन मेरे को ऑर्डर किसी से भी नहीं मिला। तो कहते बैठिए, उन्होंने चाय पिलाई, चाय पिलाने के बाद ऑर्डर बुक कहा, ऑर्डर बुक खोली, उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह नागपुर लिख के ये ऑर्डर, ये इतने पीस इतने पीस इतने पीस इतने लिखकर सैंपल देखने के बाद दो पीस, फिर नेक्स्ट पेज उस पे नाम लिखवाया कि भाई ये ऑर्डर, दो ऑर्डर उन्होंने और दे दिए, फिर एक पेज और तो उस पे भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया तीन केस का। अप्रोक्सीमेट मुझे 6-7 केस का ऑर्डर मिला, मन खुश हुआ, लेकिन वो फर्म का नाम कुछ और था, उनका नाम था कुखराज रेडीमेड। आप बात को ध्यान दीजिएगा, कुखराज रेडीमेड। तो मैंने कहा सर आपकी फर्म का नाम तो कुखराज रेडीमेड, ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये टॉप के ट्रेडर्स हैं जिनका नाम बिकता है। अब आपने एक काम करना है, मैं 5 नाम देता हूं, आपने उनके पास जाना है। और कहा मैं दिल्ली से आया और सर इन्होंने ऑर्डर दिया है, कैसी है ये पार्टी कृपया इसके बारे में बताइए। जब उन्होंने देखा अरे इसने ऑर्डर दिया,
अगला ऑर्डर देखा, फिर तीसरा जब ऑर्डर देखा तो कहते अच्छा क्या बनाते हो आप। अब वो सैंपल दिखाए, उन्होंने भी एक केस का ऑर्डर दिया, मेरे को रास्ता मिल गया कि कैसे मुझे अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है। वो दिन आज का दिन, उसके बाद तो मैं नागपुर, अमरावती और पूरा हिंदुस्तान, अहमदाबाद, बॉम्बे, सूरत, मतलब कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जो मैंने पर्सनली विजिट ना करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते गए, उसके बाद एक दिमाग में प्लान आया कि क्यों ना हम ये पेटियां खोलकर या पाल लगाते, ची लगाते, ऐसा व्यापार एक शुरू करा जाए कि जिससे बंद की बंद पेटियां बिकने लगे और हमारा टर्नओवर काफी बढ़ने लगे। उसको स्टार्ट करा गया। स्टार्ट करने जिसको मैंने एम माना, उनकी उस समय 1,00,000 रुपए की, ये बहुत पुरानी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट होगी 90 के आसपास की, 1,00,000 रुपए पर डे की उनकी सेल थी। तो 1,00,000 रुपए बहुत बड़ी सेल होती थी, मैंने ये ऐसे बोलते क्या चीज़ है, लेकिन मैंने जब इसमें प्रैक्टिकल गया तो मैंने अपने व्यापार को ये महसूस करा कि हम कर सकते हैं। क्योंकि डिसीजन लेने से पहले आप 6 बार सोचिए, लेकिन जब डिसीजन ले ले फिर उसमें से अपना विश्वास मत हटाना, फिर उसी के पीछे आप लगे रहिए। हमने उसको स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद दिल्ली से स्टार्ट करा, लुधियाना स्टार्ट करा सेकंड, उसके बाद करते करते ऑल ओवर ब्रांचेस को हमने कवर करा। और आज ठाकुर जी की कृपा से इतना टर्नओवर है 100% बुक्स में इस समय कि अच्छे नंबर टॉप में वीपी की एक पहचान आती है। कीप राइटिंग द लर्निंग्स, एक पहचान आती है। इस समय थ्रू आउट हिंदुस्तान में 3,000 मैन्युफैक्चरों से वीपी का कार्य होता है। और ये 3,000 मैन्युफैक्चर कौन से हैं, जो 17 ब्रांचेस जो हमारी खुली है उनसे सबसे काम होता है। इसके बाद अप्रोक्सीमेट 3,000 के करीबी कस्टमर हैं पूरे हिंदुस्तान में, छोटी से छोटी जगह, बड़ी से बड़ी जगह में भी वीपी से टच जरूर बना होगा। उसे अगर रेडीमेड गारमेंट्स का व्यवसाय करना है तो वो वीपी से जरूर जुड़ेगा, चाहे रिटेल चैन भी खोल लिए उसी जो। अब आ जाता है खाली बातों के बल पे या प्रेजेंटेशन के बल पे, हम मीटिंग तो रख सकते हैं लेकिन व्यापार नहीं बढ़ा सकते। सर ने कहा आपकी यूएसपी क्या है, आज वीपी की यूएसपी क्या है। आज वीपी की 100% मैडम है, मैडम ने रेडीमेड गारमेंट्स का होलसेल का काम करना है, बॉम्बे की आइटम रखनी है, बॉम्बे ये जाएंगे, इनको 2-4-5-10 ब्रांडों के नाम पता होगा, चीज होगा, उन फैक्ट्रियों पे चले जाएंगे, रेडीमेड करेंगे, चीज करेंगे, सारा चीज वो करेंगे। और करने के बाद उनसे फिर अगले बार जाएंगे, फिर अगली बार जाएंगे, करीबन 5-10 साल लग जाएंगे, तब कहीं जाकर ये 10-15 मैन्युफैक्चरर्स से अपना कोऑर्डिनेट बना पाएंगे। अब ये वीपी से जुड़ गए, वीपी से 500 मैन्युफैक्चरर्स प्रत्येक आइटम का, चाहे लेडी सूट हो, चाहे टी शर्ट हो, चाहे बाबा एवरीथिंग जो भी आइटम का है वो हमने लिस्ट इनको दे दी। अब लिस्ट देने के बाद उनके लेस आगे लिखे हुए, इस ब्रांड में इतना लेस, इस ब्रांड में इतना लेस है। मैडम ने लिस्ट देखा, जब ये डायरेक्ट स्टडी कर आए तो इन्होंने देखा अगर ये डायरेक्ट में 10 लेस कैश में, ध्यान दीजिएगा बात को, कैश में ये 10% लेस मिला इनको, और वही वीपी के द्वारा 10% या 11% प्लस 60 डेज की साइड मिली, यानी 60 डेज को अगर वो कैश दे दे तो 2% का और फायदा उसे मिला, यानी 10 के बाद उसे 11 और 13 के करीब मिल गया। और इतने मैन्युफैक्चरर से इसका टाई अप हो गया।
तो इन्होंने महसूस करा कि भाई मुझे बीपी के द्वारा ही काम करना है और बीपी के द्वारा फायदा है। तो धीरे धीरे बॉम्बे के बाद इन्होंने अहमदाबाद आइटम रखी, सूरत की रखी, ऐसे रखते रखते इन्होंने ये महसूस करा कि भाई मुझे बीपी से जुड़कर मैं परचेज के प्रति फ्री हो गई और मुझे सारी आइटमें, सारी ब्रांड मिल गया और सारा चीज हो गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं करीबन 3000 कस्टमर में से 2500 कस्टमर ऐसे होंगे जिनसे मैं आज तक मिला नहीं हूं। क्यों नहीं मिला? वीपी की यूएसपी काम कर रही है कि सर आप जाइए, आप डायरेक्ट काम करिए, जो लेस आपको मिलता है उससे ज्यादा अगर हमारा है तो हमें मौका दीजिए और आगे बढ़िए। वो यूएसपी के कारण हम आगे बढ़ते रहे। अब आ जाता है यूएसपी हमें मिली क्यों? मैन्युफैक्चर से, आज बॉम्बे के मैन्युफैक्चर से हमारे प्रतिनिधि ने मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद उनसे कहा कि आप वीपी से जुड़ने का मतलब है कि आप 3000 कस्टमरों से जुड़ जाएंगे, आपको अपना सैंपल सेट ले जाना नहीं पड़ेगा, वीपी कस्टमर आपके पास लाएगा और कस्टमर लाएगा और आपकी पेमेंट 100% सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि हम एजेंट नहीं है, हम अपनी पेमेंट यूज करते हैं, हम अपने पास से पेमेंट देते हैं, तो पेमेंट भी आपको बैठे बैठे सेफ मिल गई, आपको कस्टमर भी मिल गए। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें वो चाहिए जो हमारी एक लेस है, एक फिक्स अमाउंट हमने रखा हुआ है, उस अमाउंट को आपके मार्जिन से चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे आने तक। उन्होंने भी लगा कि यार पेमेंट अपने आप आ जाती है, रोज बीपी, आज अहमदाबाद का, आज बॉम्बे का, आज राजस्थान के कस्टमर डेली आ रहे हैं, सेल भी हो रही है, चीज भी हो रही है। उन्होंने तो बल्कि जो हमारे से कहा कि हमें 3% मान लीजिए हमें चाहिए आपके मार्जिन से, तो उन्होंने 5 दिया जो पेमेंट और चीज। लेकिन बीपी की भी 100% ट्रांसपेरेंसी है, वो 2% कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होगा, अपने अंदर नहीं रखेगा, अपने अंदर। मैंने अपनी स्टाफ को करीबन 500-700 तो क्लरिकल स्टाफ होगा, बाकी ऑल ओवर ब्रांचेस का है, उनको कभी ये नहीं सिखाया कि यार 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हम अंदर खाते रखेंगे, नहीं, वो उसकी अमानत है, जो कहा है उस पर आगे बढ़ना है। कस्टमर का भी फिर जमा, कस्टमर कहता मुझे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मेरा तो 3000 मैन्युफैक्चरों से टच हो गया, इससे बढ़कर और क्या बात है, तो उसका ट्रस्ट अपने आप जम जाता है। और जब 1-2-3 माउथ पब्लिसिटी बढ़ती है तो अपने आप ही अपना बिजनेस का नेटवर्क बढ़ जाएगा। आज हमारी पहचान जो है अपने आप चलती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आगे बढ़ते हैं, ये मेरा पास्ट है। पास्ट में मुझे काफी प्रॉब्लम आई। अब आप बेटा संभालता है विनीत गुप्ता, विनीत गुप्ता MBA करे हुए और सर से और रेगुलर क्लासेस मीडिया की, बिजनेस डेवलपमेंट की चीज की, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, चीज होते हैं, उनकी वो क्लासेस और उन्होंने मेरे से, जब मैं उनको हैंडओवर कर रहा था तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा बेटे आप इंडिपेंडेंट हो 100%, आपके कोई डिसीजन में मेरा हस्तक्षेप नहीं है, आप अपना डिसीजन ले सकते हो कोई, जो अगर आप अपने बच्चों के ऊपर अगर आप रोक रखेंगे, वो कहेगा पापा ये मैं खरीद लूं, इसको माल दे दूं, इसको उधार दे दूं, तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपके जाने के बाद वो तकलीफ में रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस के लिए 100% एक है। लेकिन उसने कहा कि पापा ये जो आपके पॉइंट्स है, जो आपका काम करा बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन मैं इसमें चेंजेस करूंगा। कोई बात नहीं बेटे, करो, मैं आपके साथ, जब भी मेरे तजुर्बे की सलाह चाहिए मैं आपके साथ करूँ। अब फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा इतना बड़ा स्टाफ था, हम लोग टीम लीडर को बुलाते थे और पूछते थे दिवाली पर कि भाई इसका कितना इंक्रीजमेंट करना है, कैसा है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है,
उन्होंने कहा किसी ने 10% कहा, किसी ने कहा नहीं ये बहुत बढ़िया चल रहा है उसके 12, और ऐसे हमने उसका हर साल उसका वो कर देते थे। जिनका इंक्रीजमेंट नहीं होता था वो लोग नौकरी छोड़कर चले जाते थे या जो भी रीजन उस पर चले जाते थे। उन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, उन्होंने फर्स्ट स्टेप जो हम दिवाली पे इंक्रीजमेंट करते थे उन्होंने इंक्रीजमेंट डेट ऑफ बर्थ पे कर दिया। आप समझिए जब हम 700 आदमियों का 800 आदमियों का एक लिस्ट लेते हैं और कहा हम महीने में हमारे पास 25 30 40 आदमियों के बच्चों का सिर्फ आता है, डेट ऑफ बर्थ आती है महीने में, तो उससे वो साथ में जो बैठे हुए हैं उन पे प्रभाव नहीं पड़ता, एक साथ छोड़कर जाने की प्रक्रिया खत्म हो जाती फर्स्ट, जिससे हम इतनी बड़ी बीमारी से जैसे ही दिवाली गुजरती थी तो कम से कम 50-40 का तो रिजाइन आता ही आता था, उसको चेंज कर दिया, आज हम बड़े खुशी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, उन्होंने जो मैं अपने पास मेरे 10 हैंड्स होते थे, जब भी कोई कार्य करता था उनको बुलाता था सारी मीटिंग में, उन्हीं को बिठाता था कि अब ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, और जब उनको बुलाते थे तो वही टॉप मोस्ट हेड बन जाते थे कि भाई ये ही वीपी के हेड है और वीपी के द्वारा ही कार्य होगा, इन्हीं के द्वारा मुझे जाना पड़ता। आज कोई मैन्युफैक्चरर से वीपी से जुड़ना चाहता है कैसे जुड़े, वीपी से जुड़ने के लिए वो दिल्ली ऑफिस में जाता था, वहाँ का जो है टीम लीडर जो है उनसे मिलता था, टीम लीडर हेड ऑफिस से बात करता था कि भाई इनका अकाउंट खुलवा दीजिए, वो हेड ऑफिस उसकी बात करके वो आगे प्रेजेंटेशन करता था, तब जाकर कहीं रास्ता खुलता था, एक बड़ी लंबी प्रक्रिया थी। उन्होंने vponline.com एक स्टार्ट कर दी, जिनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है चाहे मैन्युफैक्चरर्स है चाहे कस्टमर है, जो वीपी से जुड़ना चाहते हैं वो उस पे जुड़े, बीच की कड़ियां सारी कट हो गई, डायरेक्ट हमारे पास हेड ऑफिस में आने लगा, हम उसके रूल्स चीज बनाया और बनाने के बाद उसको आगे बढ़ने लग गया। तो इसका मतलब उन्होंने बीच की कड़ियां जो आज मोदी जी कर रहे हैं वो कड़ी उसने खत्म कर दी। उस कड़ी से क्या रिजल्ट हुआ कि जो एक्चुअली जो हमें चाहिए जिस तरीके के चाहिए वो हमारे पास मैन्युफैक्चरर और कस्टमर हमारे से जुड़ने लगे, जुड़ने का असर ये हुआ कि लोगों को प्रॉब्लम खत्म हो गई। इससे ज्यादा अब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या मतलब मेरा कहने का तात्पर्य 100 बातों का, ऐसे मेरे पास बहुत पॉइंट्स हैं जिनको हम चेंज करके आज हम अच्छा महसूस करते हैं। इससे हमें क्या महसूस हुआ, इससे हमारे को एक चीज निकल कर आई, जो मैं मैनुअली जो मेरे हेड होते थे उनको कहता था कि भाई आप जो है क्या नाम है ये देख लीजिएगा कर लीजिएगा, वही आदमी मेरे से टच में रहते थे करते मेरे केबिन में वही आते थे, अब उन्होंने कॉमन हो गया। आज ऑपरेटिंग में मान लीजिए 50 बच्चे ऑपरेट करते बिलों को करते हैं, गूगल शीट चला दी, जैसे ही बिल ब्रांच में एंटर होता है एंटर करते के साथ ही एंटर जो वो रिसीव करता है उसका समय दे दिया कि 2 मिनट के अंदर अंदर टाइम दे दिया हर चीज का, ये बिल एंटर हो जाना चाहिए। बिल एंटर हो गया, एंटर के बाद उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना कि जो उसने डॉक्यूमेंट जमा करा वो के 5 मिनट या 10 मिनट का समय दे दिया, उसके बाद बिल कितने बजे चढ़ जाना चाहिए उसका समय री चेकिंग, वो सारी गूगल शीट चली गई, हर बच्चे का परफॉर्मा आने लगा, ऑपरेटर के जो 50 बच्चे थे उन बच्चों का भी परफॉर्मा आने लगा, ऑटोमेटिक उनके नाम डलता है ऑटोमेटिक डलता, अगर वो टाइम पर नहीं कर पाता था तो रेड हो जाते, रेड होने का मतलब है कि ये ड्यूटी अपनी पूरी नहीं कर पाया, इसको चेंज कर। हर हफ्ते वो खुद पर्सनली मैं हैरान हूं कि वो पर्सनली उन बच्चों से बात करता था, ये नहीं पूछता था आपकी रेड क्यों आई है, क्यों उसे खुद को पता है कि मेरी रेड है, रेड का मतलब है मैं काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा, उससे ये बात होती थी कि भाई उसको स्लिप मिल गई, हाजिरी मिल गई, परफॉर्मा देख लिया, एक्ट देख लिया।
कुछ दिनों बाद क्या होता था, वो ऑटोमेटिकली छोड़कर चला जाता था। क्यों? उसे जब पता लगने लगा मेरी बार बार रेड आ रही है तो सर हटाएंगे या चीज हटाएंगे, उससे पहले वो खुद ही डिजाइन देकर चला जाता था। परफॉर्मा सारे बच्चों का स्क्रीन पे वो गूगल सूट पे चलने लगा और प्रत्येक बच्चे का हमें वो डिस्कस आ गया। जो कि देखिए, मैं थोड़ा सोशल से जुड़ा हुआ हूँ तो वो मैं बाद में बताऊंगा। सर मेरा टाइम हो गया तो सोशल से जुड़ा हूँ। सोशल में दो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। एक तो हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि जब भी कोई आता है उसका तालियों से अभिनंदन जोर से होना चाहिए। दूसरा, जब माला पहनाई जाए तब ताली जरूर होनी चाहिए ताकि उससे धन या जो हमें चाहिए वो मिल सके। लेकिन आप सब तालियों की कंजूसी करते हैं, इनसे तो करते हैं। दिल से तो वो मानते हैं कि बात सही है लेकिन उसका उत्साह नहीं बढ़ाते, ये कमी है। गूगल शीट स्टार्ट कर दी, गूगल शीट में हमारे प्रत्येक बच्चे का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया। उसने तीन बातें कही, तीन बातें क्या कही कि सबसे पहले स्टाफ ऑर्डनरी जो संभालता है क्लरिकल है, उसके बाद टीएन टीम लीडर और उसके बाद एमडी, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। हम लोग एक को ऊपर रखते बिल्कुल गलत है। पहले टीम, उसके बाद टीएल और उसके बाद एमडी, तीनों के अलावा बड़े अच्छे रिजल्ट आने लगे, बहुत ही अच्छे। फॉर एग्जांपल, हमारे लड़के जो है क्या नाम है, ऑफिस में बिल्टियाँ जमा करा दी वो रिसीव नहीं होती थी, वो उसने संभाल कर रख दी, केयरलेस क्या उसने डब्बे में डाल कर रख दी। बाद में जब हिसाब टैली हुआ तो बिल ये जो आपका नहीं आया, आप उसकी पता करते थे तो वो कहता था देखिए रिसीविंग है जी, मैं तो आपके ऑफिस में जमा करा कर आया। बहुत अच्छी बात है, जमा करा कर आया तो इसका मतलब ये हमारे पास आया। उन्होंने जैसे ही डॉक्यूमेंट जमा होते हैं 10 मिनट में उनके मोबाइल पर पहुंच जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट रिसीव। इससे बढ़िया प्रूफ उसे क्या चाहिए? साइन की भूखी तो कोई भी मार सकता है, किसकी है ये पता नहीं लगेगा। लेकिन उसके पास रिसीविंग पहुंच गई, उसके विद इन 2 आवर्स में उसके पास पहुंच जाता आपके डॉक्यूमेंट ओके, लेजर में आपका बिल चढ़ गया। तो वो सारी प्रक्रिया जो एक मैं मैनुअली सर खपा खपा कर अपनी ब्रांचेस के, मैं महीने में 4 ट्रिप या 3 ट्रिप अपनी ब्रांच के लगाता था और सबसे मीटिंगें लेता था, आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने सिस्टम को अपना ढाल दिया और कल भी उनकी मीटिंग थी, अपने रिसेप्शन के बच्चों को बुला रखा था और उन बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दी। मैं तो बोल बोल कर अपना सारे दिन बोलता रहता था, करता रहता था ट्रेनिंग। उन्होंने स्क्रिप्ट बना रखी है, इंटरव्यू जैसे ही कोई लिया जाता है उसकी ट्रायल पीरियड में स्क्रिप्ट है, आपने बिल्कुल ऐसे एंट्री करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये स्टडी कर दो। और ट्रायल पे उसकी वो स्टडी होती थी, अगर ओके होता था रख लेते थे, नहीं होते ओके होता लेते, जाने का जरूरत ही खत्म हो गया। उन्होंने रिसेप्शन को बुलाने लग गया, एक मीटिंग मार्केटिंग वालों के लिए करने लगे, एक ऑपरेटिंग वालों के लिए करने लगे, एक साल में गेट टुगेदर दिल्ली में करने लगे ताकि उनको अच्छा लगे, उनको ची लगे। हर महीने कोई ना कोई होटल में कार्यक्रम करने लगे उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको चीज करने, उन्हें भी लगा कि वीपी में चेंजेस है। तो मैं एक ही बात शेयर करना चाहूँगा कि इससे ये रिजल्ट निकला कि भाई जो पास्ट मैं घिस घिस कर जो तजुर्बा बनाया, उन्होंने जो तजुर्बा, जो टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो टॉप के बिजनेसमैन है, उनका तजुर्बा, उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाला हुआ है वो प्रवीण नारंग जैसे सर के द्वारा पढ़कर उसने आगे प्रैक्टिकल में डाल दिया। ये एक रिजल्ट मेरे सामने निकला। अब मैं आपसे एक चीज मेरे सामने आई, गांधीनगर एक ऐसी मार्केट है जहां पर लिखित वर्ग या चीज बहुत कम होती है, उनको सारा मेल के द्वारा मिल जाना, मेल के द्वारा वो जाना, डेट इज इम्पॉसिबल, तैयार ही नहीं अपने आप को बदलने के लिए। और जब ये तैयार नहीं है तो हमारे कस्टमर बोले कि भाई हम नहीं करेंगे काम को, लेकिन वो अपने डिसीजंस में अड़ा रहा। उसने कहा मैं चेंज नहीं करूंगा,
अगर वीपी के साथ आपने काम करना है तो यू मस्ट बी चेंज। आपको सारा मेल के द्वारा डॉक्यूमेंट जाएंगे, आपके द्वारा कोई भी कोरियर कोई चीज नथिंग एल्स। और अब तो उन्होंने ऐप बनाने जा रहे हैं, आप अपना लेजर देखिए, आप अपने ऑर्डर लाइन देखिए, आपके क्या क्या चीज है, 5,000 मैन्युफैक्चरों की, 3,000 मैन्युफैक्चरों की, 500 मैन्युफैक्चरों की सारी डिटेल है। जो आइटम आपको चाहिए भर दीजिए और उसके साथ एक्सेप्ट होकर आगे हो जाएगा। जो हमारी इतनी बड़ी टीम करती थी वो सारा का सारा उसने समेट दिया। जहां हमारे पास स्टाफ 1,000-1,200 से थे वो धीरे धीरे घट के 500-700 और कम आएंगे, ऐसा उसका कहना है। ये क्यों हुआ? वक्त के हिसाब से उन्होंने आने वाले फ्यूचर को पहचाना और पहचाने की वजह से ये हुआ। पहले आप जानते हैं प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर आता था, मैगजीन आती थी, पंपलेट बांटते थे घर घर में जाकर, वो जो उसी पैटर्न पे रहे वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो खत्म हो गए। आज किस चीज का जमाना आ गया? आज आपका यूट्यूब का आ गया, आज आपका फेसबुक का आ गया, आज आपका सबसे बड़ा vponline.com पे हमारे बेटे की स्पीच आप लिखिएगा, उनके vponline.com अगर कोई लिखना चाहते हैं लिखिएगा हर चीज। सर आप ये बिजनेस क्यों करें? सर ये फायदा आपको है, ये फायदा आपको है, ये फायदा आपको है, ये फायदा, अगर आप इससे सहमत है तो आप करिए। और अपने जितने भी कस्टमर है उन सब के व्हाट्सएप पे उसको बताया जाता है, जो भी बेनिफिट जो स्कीम निकलती है सारी चीज निकलती है, तो उससे प्रभाव ये पड़ा हुआ है, तुरंत एक्शन होने लगा, तुरंत हमारे चेंजेस व्यवहार की, व्यापार की, सब चीजों की उसकी चेंजेस आ गई। प्रोडक्ट का देखिए आप, प्रोडक्ट का जो है वो कैमरे, इतने बड़े बड़े कैमरे, इतने बड़े वो चीज लेकर चलते थे, आज कहाँ है? आज आपके मोबाइल पे ही वो आ गया, आप फोटो खींच लेते, वो ना लेकर चलते ना करते, वक्त ने चेंज करा ना, जो चला वो हो गया। नोकिया क्यों फेल हो गया? आप लोग सब पढ़े लिखे जानते हैं। तो उन्होंने वक्त के हिसाब से अपने आप को बदला और जो बदलते गए वो आगे बढ़ते गए, जो नहीं बदले वो पीछे रह गए। अच्छा एक चीज और है, व्यापार बढ़ाने के लिए तीन चीजों की बहुत सख्त जरूरत होती है। नंबर एक मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए, अगर आप मैनेजमेंट नहीं करा सकते तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज डिसीजंस, आप डिसीजन कोई भी लेना चाहते हैं कि मुझे मेल के द्वारा ही काम करना है और मुझे वैसे नहीं करना, तो वो आप अपने डिसीजन लेने से पहले 6 बार सोचिए। लेकिन अगर डिसीजन ले लिया तो उस पर ट्रस्ट रखिए, ये नहीं कल ही बदल दे परसों बदल दे और वो कर दे। जब GST आया, नोटबंदी हुई, तो बेटे ने मेरे से कहा कि पापा मैं आपके तरीके से ये नहीं करूंगा मैं व्यापार, जो मिक्स होता था, मिक्स का आप समझ गए होंगे मतलब कि भाई मिक्स का क्या है। बिल्कुल। उसने कहा मैं तो 100% बुक्स में करता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, और वो आज वीपी 100% अपने बुक्स में करता है। कुछ असर होने लगा, तालियों की कुछ आवाज तो आ रही है। तो डिसीजंस उसने अड़ा रहा, उस नहीं मानने के लिए तैयार हुआ। हमारे जितने दो 10 जने थे वो आते थे कि भाई साहब बिजनेस खत्म हो जाएगा, चीज हो जाएगी, मतलब कुछ भी हो जाए, अब बेटे का डिसीजन है उसको फॉलो करना है। तीसरा थिंक डिफरेंट, आप डिफरेंट क्या है जिसको USP कहते हैं, अगर वो सोच में आप नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हर ब्रांच में हमारे यहाँ जो बिल्डिंग होती है, जो उस बिल्डिंग में कस्टमर के लिए रुकने के लिए फैसिलिटी है, उसका खाना, उसका रहना, जब तक वो रहेगा सब चीजें उसको मिलती है, परचेजिंग करके फिर वो आराम वो ही करता है। जस्ट लाइक एक होटल की तरह हमने अपनी गद्दी को बना रखा है। लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम आती थी कस्टमर को, एक तो आज की तारीख में एक पीना पाना पीना ड्रिंक जिसे कहते हैं एक नेसेसरी हो गया, ये कल्चर का एक हिस्सा बन गया जो हमारे यहाँ अलाउ नहीं था। दूसरा नॉन वेज। तीसरा चीज
रात को कितने बजे भी 12 बजे 1 बजे 2 बजे आए तो उसका वो है, उससे कस्टमर हमारे यहाँ अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से कस्टमर जो है क्या नाम है डिस्टर्ब रहता था। उन्होंने क्या करा, ऑल ब्रांचेस के ये हमारे गेस्ट हाउस जो हमारे थे सब बंद कर दी। सबको क्या फैसिलिटी कराई, होटल आप जाने से पहले एक नंबर है, नंबर के ऊपर भी आऊंगा मैं, तो आप जाने से पहले मैडम से बात करिए, आपके रूम हर जगह बुक होते हैं, होटल में लुधियाना बॉम्बे सूरत हो गए, अब वो रात को पी कर आओ जो मर्जी कर कर आओ कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा खुश हो गए। तो उन्होंने डिसीजन लेकर कुछ चेंज करा ना, हम लोग एक लकीर का फकीर रहते थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम। तो वक्त के हिसाब से तीन चीजों में अगर आप नहीं अपने आप को अजमा सकते तो आप आगे, आप बता सकते हैं कि टॉप की 50 कंपनियां में सबसे ज्यादा कंपनियां किस कंट्री की है, यूएस अमेरिका की है, एक बार तालियां जोर से बजाओ। तो 50 में से कितनी कंपनियां यूएस की है, 50 में 70 कैसे हुए, हाँ राइट, बिल्कुल जोरदार तालियां। जो की कंपनियां अमेरिका की है, क्यों है, वो डिफरेंट सोचते हैं। इलेक्ट्रिक कार तैयार हो चुकी है और आज मार्केट में आने वाली है, उन्होंने अलग चला। तो आप जब तक अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इन्हीं के लिए जब एक चीज और मैं आपका लास्ट में 2 मिनट लेना चाहूंगा, हम अपनी लाइफ को हम अपनी इनकम को एक ही पर डिपेंड रखते हैं। किस पे डिपेंड रखते हैं, इसमें भी बदलाव लाइए। आप अपनी इनकम के 4 साधन बनाइए ताकि एक साधन कमजोर पड़े तो 3 साधन आपके साथ रहे, 2 साधन आपके साथ। वही चीज हमने अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसको डाला। अच्छा ये बताइए, आप में से किसने इंश्योरेंस 50 लाख से ऊपर का करा रखा है, पक्का? तो आप अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती मत करिए, आप इंश्योरेंस में कमी मत करिए, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को भी उसका वो बने। अच्छा शेयर में कौन कौन विश्वास रखते हैं, शेयर 2 प्रकार के होते हैं, आप ज्यादा जानते हैं, मुझे इसकी नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं तो जो भी बात करता हूँ जो स्पेशलिस्ट है उसको बुलाकर अपने ऑफिस में डिस्कशन होता है सारा, और फिर उसके रिजल्ट पे हम पहुंच जाते हैं। शेयर में 2 प्रकार के होते हैं, एक ये होता है कि भाई जो आपने जजमेंट करा कि भाई ये कंपनी का ले लो इसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक और प्रकार से जो मैंने अपनाया है, मैं सपोज करिए 1 करोड़ रुपया अपना इन्वेस्ट करना चाहता हूं शेयर में, मैंने 3 साल का पीरियड बनाया और हर महीने को डिवाइड कर दिया मेरा कितने रुपए महीने का बनता है, और हर महीने की वो 50 टॉप के जो कंपनियां है चीज है उनमें से इन्वेस्ट करते रहे। आपको तेजी मंदा आपका साथ चलता रहा, गारंटीड कहता हूं 3 साल के बाद आपका 12% से ज्यादा आपको मिलेगा, और कोई रिस्क नहीं है। तो एक पार्ट हमें इसमें यूज करना है। आप यंग है सारे, जब आदमी 50 प्लस या 60 के 50 लगा लीजिए आप उम्र घट रही है, तो उसे एक पार्ट रेंट का भी सोचना चाहिए कि रेंट इनकम भी मस्ट भी है, चाहे उसमें परसेंटेज आपका 6% आए। मैं कल ही ICICI बैंक की एक डील हुई कि हमारे
जिसका रेंट ऑफ इनकम सिर्फ 5% है, लेकिन मैंने अपने बेटे को दे दिया। मैंने भाई देखो तुम्हारा बिजनेस ओके है, घर में घर में आपका बढ़िया चल रहा है, हाजी ओके है, उनकी अलग कोठी बनती है जो 2 महीने बाद उनका उसका मुहूर्त होगा, आप कोठी में पीने की बात करोगे। तो विनेश सर का असिस्टेंट है, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। इन्हें पहली क्लास जो अटेंड करी थी वो सर की अटेंड करी, नहीं नहीं सर बाकी हमारा जो आपको रास्ता मिला तो उसको मकान में 2 महीने बाद ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको ये बैंक और आपको मिल गया जो 8 साल तक आपको इतने ही आपको रेंट आता रहेगा ताकि आपको उसके लिए जरूरत। तो आप अपनी इनकम को 4 हिस्सों में जरूर बांटिए ताकि एक पैटर्न कमजोर हो जाए तो बाकी 3 पैटर्न आपके साथ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक चीज और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, एक मैडम आपके लिए है, आपने चेक के बारे में स्पेशलिटी बताई तो मैं चाहूंगा आप नंबर नोट कर लीजिए। दोबारा मैं फिर रिपीट करूंगा, 9319095101। तो आप मिलिएगा, ये हमारा एक रेगुलर प्रोसेस है कंपनी का, तो हो सकता है आपसे। दूसरा ऑडिट का, हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है उस हिसाब से सीएसए आई एम सेटिस्फाइड, नो प्रॉब्लम कोई चीज, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ऑडिट किसी अलग से कराई जाए, क्वार्टरली ऑडिट कराई जाए, ताकि जब हम 100% अपना काम ओके करते, पक्के का करते, कच्चे का बॉडी नहीं है, और जितना टैक्स बनता उतना ओके कर रखा है, उसमें ये नहीं कह रखा कि इतना बचाओ यार साइड में करो, नो। तो फिर मैं ऑडिट भी चाहूंगा कि भाई, तो आप में से अगर कोई मिलना चाहे तो आप रजत। तीसरा इंटीरियर डिजाइन का, अगर कोई भी है अगर मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। चौथा आर्किटेक्ट, हमारी बिल्डिंग में कुछ चेंजेस होनी है तो उसमें मैं चाहूंगा अगर हमारे और आपके अंदर पर यूएसपी एक होनी चाहिए, औरों के मुकाबले में कुछ ना कुछ आपका प्लस पॉइंट होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे समधी जी बड़े यूनिटी ग्रुप को कौन जानता है, उनकी बिटिया हमारे यहाँ आई हुई है, उससे संबंधित अगर यूनिटी ग्रुप से अगर आप कोई भी कार्य चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। दूसरा डॉक्टर सुशील गुप्ता जी राज्यसभा सांसद, कौन नाम जानते हैं, एक आध कोई बात उनसे संबंधित मेरी मेरी कभी बताना देना कोई नहीं नहीं क्या सर, तो राज्यसभा सांसद है, आप पार्टी से गए हुए, आपके सभी है, एक बार जोरदार तालियां। तो उनसे अगर कोई भी वर्क अगर आपका कोई है तो मिल सकते हैं। तीसरा वर्ल्ड फा एक्सपो, हिंदुस्तान में नंबर 1 ओनली 1 नेम जो एक्सपोर्ट 125 कंट्री में करता है और 10,000 आइटमें है, स्टेनलेस स्टील बर्तनों 10,000, वॉलमार्ट डिस्को पिस्को कोई ऐसी कंपनी नहीं है रिटेल चैन जिससे उनका व्यापार नहीं होता, वो भी हमारे समझी है। उसमें उनकी यूएसपी क्या है आप बता सकते हैं, यूएसपी क्या है उनकी, यूएसपी क्या है, कितना बड़ा ऑर्डर हो 1,00,000 पीस 2,00,000 पीस 5,00,000 पीस अगर 1 महीने में डिलीवरी ना हो कंटेनर फ्री, कंटेनर फ्री कितने, और डेली 2 से 3 कंटेनर डेली जाते हैं। तो अगर कोई भी कार्य है तो आप मेरे से मिल सकते हैं। लास्ट में जब बेटे को मैंने हैंडओवर कर दिया तो मैं अब सोशल में काम करता हूं, अखिल भारतीय आशीर्वाद संगठन दिल्ली प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूं, मेरा 1,00,000 वैसे बंधुओं से टच है व्हाट्सएप के द्वारा, प्रत्येक जानकारी व्हाट्सएप के द्वारा उनको जाती है। आप भी अगर चाहे तो आप भी जुड़ना चाहे तो आप जुड़ सकते हैं, और भी कोई मेरे से संबंधित कोई क्वेश्चन है अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।
अब उनके बेटे ने आपके सारे के सारे इनोवेशन किया है उनके बिजनेस में, जिस तरीके से वो सारी की सारी चीज़ें शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और माफी चाहूँगा कि मैं मुझे आगे जाना है इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार प्रवीण सर का धन्यवाद जिन्होंने मेरे को मौका दिया अपने विचार। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है इन्होंने जो नंबर शेयर किया है, अगर आप लोगों ने लिख लिया है यू नो इज अ बिग गिवर आप। लेकिन हाँ, गिवर तो बहुत बड़े हैं लेकिन पार्थी भी बहुत बड़े। मेरे को अपना विश्वास जीतने के लिए बहुत अच्छा इंटरव्यू देना पड़ा था। सो आपको तैयारी करके जानी चाहिए अगर आप इनसे मिलने जा रहे हो अपने व्यवसाय की, अपनी सर्विसेज की, क्योंकि अगर तैयारी नहीं होगी एक सेकंड में समझ जाते। इन्होंने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से बहुत सीखा है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, तालियां चाहिए मुझे दोबारा।